स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज मैं क्लास इलेवेंथ का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पहला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। और आप सभी बच्चे जो हैं, पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाएं और खूब ध्यान से मेरे वीडियो को देखें और उसमें जो नोट्स हैं खुद बनाएं। खुद का बनाया हुआ नोट्स जो होता है बच्चों, बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक होगा बच्चों मैटर। आज का टॉपिक है मैटर। मैटर के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ओके। आप क्लास नाइन्थ में इसके बारे में भली भांति पढ़े होंगे, ठीक है। मैटर, तो बच्चों मैटर क्या होता है? मैटर हेडिंग लगा लें, मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ओके। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर, ओके। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें मास होता है उसे मैटर कहा जाता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर, ओके बच्चों। तो बच्चों अब उसके बाद आता है नंबर स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर जो होता है किन किन स्टेट्स में पाया जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर तो बच्चों मैटर के थ्री स्टेट्स होते हैं। आप लोग भली भांति इसको पढ़ चुके होंगे। एक होता है स्टेट जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। पहले स्टेट को क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट बोलते हैं। दूसरा होता है बच्चों लिक्विड स्टेट बहुत गंदा हो गया, लिक्विड स्टेट। और तीसरा होता है बच्चों गैस स्टेट, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर इज फाउंड इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप दे सकते हो वाटर का। तो वाटर का जो सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड स्टेट होता है, उसको आइस कहा जाता है। लिक्विड स्टेट में वाटर होता है और गैसियस स्टेट में वेपर होता है, ठीक है बच्चों। तो अब जो है हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स का जो है हम स्टडी करेंगे कि सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है और गैसियस स्टेट में क्या होता है, ओके। तो चलिए सॉलिड में हम बताते हैं। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल्स आर इन ऑर्डरली फैशन। पार्टिकल्स आर इन ऑर्डरली फैशन
कहने का मतलब ये है कि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वेल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वेल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ओके। और वेल ऑर्डर में अरेंज होने के कारण, वेल ऑर्डर में अरेंज होने के कारण सॉलिड का शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, डेफिनेट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ओके। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होता है। जैसे मान लो बच्चों कि सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे, इस तरह से होंगे, वेल ऑर्डर में अरेंज होंगे इस तरह से, उनके बीच स्पेस बहुत ही कम होगा। एक लेयर बन गया, दूसरा लेयर बच्चों इधर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया, इस तरह से पार्टिकल्स जो होते हैं वेल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स के बीच जो है स्पेस बहुत ही कम होता है, अर्थात स्पेस नहीं होता। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, दीज आर सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, मूव करने की फ्रीडम नहीं होती है। आइए लिक्विड के बारे में हम बात करते हैं। लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज, पार्टिकल्स आर क्लोज, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट हैव फ्रीडम, बट हैव फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे से, परंतु पार्टिकल्स के बीच मूवमेंट करने की फ्रीडम होती है। ओके बच्चों, मूवमेंट करते हैं, इसीलिए लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, फ्लो करने की उनमें प्रॉपर्टी होती है, तो इस कारण से दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप, बट नो डेफिनेट शेप। जिस किसी भी कंटेनर में रखा जाता है वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, ठीक है। आइए उसका हम फिगर बना देते हैं। जैसे ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, दूर दूर हैं, पास पास तो हैं पर मूवमेंट करने की इनमें फ्रीडम है, ओके। लिक्विड पार्टिकल्स, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड से इतनी स्पेस कम होता है और पार्टिकल जो होते हैं मूव करने के लिए फ्री होते हैं। आइए अब हम गैस की बात करते हैं। गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, पार्टिकल्स आर फार अवे
पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से पार्टिकल्स बहुत ही दूर होते हैं, इसीलिए नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. दे हैव नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में. इनके पार्टिकल्स को यदि ड्रा करें तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, इस तरह से एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है. वेल ऑर्डर में नहीं होते हैं गैस पार्टिकल्स. दीज आर व्हाट गैस पार्टिकल्स. ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं, इन्हें पूरी फ्रीडम होती है, इसीलिए इनका शेप और साइज, शेप और वॉल्यूम दोनों इनडेफिनिट होता है, डेफिनिट नहीं होता है. तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार रिकैप कर रहा हूं. मैटर एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. कोई भी वस्तु जिनमें जो स्थान घेरता है था जिनमें कुछ न कुछ मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं. दोस्तों मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. ओके बच्चों, सॉलिड स्टेट बच्चों मैटर का वह स्टेट होता है जिसमें पार्टिकल्स वेल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, पास पास अरेंज होते हैं और पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं होता है. इसीलिए सॉलिड के जो साइज शेप और वॉल्यूम होता है डेफिनेट होता है. कंप्रेसिबिलिटी भी सॉलिड में नहीं पाई जाती है. हाँ ओके प्यारे बच्चों, तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वेल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, मूव नहीं करते हैं, इसीलिए उनका शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होता है. जैसे कि हमारा मार्कर है बच्चों, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वेल ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है, इसीलिए इनका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है, डेफिनेट है. लिक्विड दूसरा स्टेट होता है बच्चों लिक्विड का, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं, परंतु उनमें पार्टिकल्स में मूवमेंट करने की फ्रीडम होती है, चलने फिरने की आजादी होती है, इसीलिए लिक्विड फ्लो करते हैं, ठीक है. तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है तथा उनका जो शेप होता है वह इनडेफिनिट होता है. जिस किसी भी कंटेनर में रखा जाता है वह उसी कंटेनर का शेप प्राप्त कर लेता है, ठीक. तो वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, गिलास में रखोगे तो गिलास का शेप ले लेगा. यदि मान लीजिए कि 250 ml वाटर जो है गिलास में लोगे तो गिलास का शेप लेगा. यदि आप किसी थाली में रखोगे वही वाटर तो वह थाली का शेप ले लेता है. तो लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, पर उसका शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है. क्यों नहीं होता शेप? इसलिए नहीं फिक्स होता क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, मूव करते रहते हैं, मूव करते हैं एक बाउंड्री के अंदर, ठीक है. और तीसरा स्टेट होता है बच्चों गैस. गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, फार पार्ट होते हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसीलिए उनका शेप और वॉल्यूम दोनों इनडेफिनिट होता है. तो वाटर पेपर ले लीजिए, तो वाटर पेपर जो है गैसेस स्टेट का एग्जांपल होता है. ये पार्टिकल्स जो होते हैं फार अपार्ट होते हैं और वे मूव करते रहते हैं चारों डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसीलिए उनका शेप साइज वॉल्यूम जो होता है इनडेफिनिट होता है. ओके बच्चों, अब चलिए हम आगे इसके चलते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ
मैटर मिटाते हैं, मिटाते हैं ओके, वीडियो को पास करें, पास करने के बाद नोट कर लेंगे ठीक है। चलिए मैं मिटाता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, बच्चों हेडिंग लगाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब एक स्टेट से मैटर को दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में, फिर तीसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट से पहले स्टेट में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए सॉलिड टू लिक्विड करना है तो हीट देना पड़ेगा, ऐसे ही यदि लिक्विड को गैसियस में चेंज करना है तो भी हीट देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ती है ठीक है ना। तो सॉलिड जैसे आइस है, इसको आप हीट करोगे बच्चों, हीट करोगे तो क्या होगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अन हीटिंग सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग प्रोसेस, क्या बोलते हैं मेल्टिंग। और यदि कूल कर रहे हैं लिक्विड को, कूल कर रहे हैं तो सॉलिड में चेंज हो जाता है बच्चों, आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा। ऐसे लिक्विड को फिर हीट करें, फर्दर हीट करें तो ये गैसियस स्टेट में आ जाता है, और यदि कूल करें गैस को तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है, लिक्विड का गैस के रूप में बॉइलिंग कहलाता है। चलो देख लो, द ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। ओके, और जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है बच्चों ठीक है। वाटर आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू गैस इज नोन एज बॉइलिंग। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, द ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस टू लिक्विड इज नोन एज लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन। ओके,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग. ओके, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं. मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं. तो ये हो गया बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. अब आप लोगों को मैं बतलाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ओके, तो हेडिंग लगाना बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ओके, तो वैसे बच्चों मैटर को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है. एक क्लास जो होता है बच्चों उसको कहा जाता है मिक्सर. क्या कहते हैं? मिक्सर. दूसरा क्लास होता है बच्चों प्योर सब्सटेंसेस. मिक्सचर प्योर सब्सटेंसेस. ओके, मिक्सचर जो होता है ना बच्चों ये भी दो काइंड होता है. दो तरह का मिक्सचर होता है. एक होता है होमोजीनियस मिक्सर और दूसरा होता है हेटरोजीनियस मिक्सर. बच्चों प्योर सब्सटेंस भी दो तरह का होता है. एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड्स. एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स. एलिमेंट्स कंपाउंड्स. बच्चों इतना इसको तो आप नोट कर लो, ये फ्लो चार्ट आप बना लो. मैटर की दो क्लासेस होते हैं मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंसेस. मिक्सर फर्दर दो तरह दो क्लासेस में बढ़ता है होमोजीनियस मिक्सर एंड हेटरोजीनियस मिक्सर. और प्योर सब्सटेंसेस की दो क्लासेस होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो अब हम बारी बारी से एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बच्चों. ओके, मिटा देते हैं. जो भी पॉइंट्स हैं उसको मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूं. मिक्सचर्स मिक्सचर्स और मिक्सचर कंटेन्स टू आर मोर मिक्सर कंटेन्स पार्टिकल पार्टिकल अप टू आर मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो
इन एनी रेशियो, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन एनी रेशियो। ओके, किसी भी रेशियो में दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स मिला देने पर मिक्सर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मिक्सर। पार्टिकल्स आर अन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिटेन्स देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। ओरिजिनल प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, आर ए आर शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। ये जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है। एग्जांपल्स आप हेटरोजीनियस मिक्सचर आर स्टोन इन राइस, चिवड़ा, चूड़ा खाते हैं हम लोग। अब जो प्योर सब्सटेंस की बात होती है, प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स, consist of only one type of atoms, only one
टाइप ऑफ एटम्स। इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, मरकरी ले सकते हैं, तमाम एग्जाम्पल होता है। ठीक है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when two or more elements combine in a definite ratio जब डेफिनेट रेशियो में एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। जैसे H2 वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, तो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना लेता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर फिक्स रेशियो है एटम्स का। ओके, और कंपाउंड्स के पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड सेपरेटेड मेनली बाय केमिकल मेथड्स, मेनली बाय केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड के द्वारा ही इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, जबकि मिक्सर जो होते हैं, सब नोट कर लीजिए होंगे आप लोग, होमोजीनियस हो चाहे हेटेरोजीनियस हो, मिटा दें इनको, इनको मिटा दें, चलिए मिटाते हैं इनको। चलिए एक पॉइंट मिटा हुआ उसको ही बता देता हूं। मिक्सर में कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड बच्चों जानते हो, सच है जो फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, केमिकल मेथड से केवल जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जैसे कंपाउंड के एलिमेंट को, कंपाउंड के जो एटम्स होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है, उसमें केमिकल रिएक्शन कराना होता है जो। ओके, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को देखें जरूर जरूर अधिक से अधिक संख्या में, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिलता रहे। बच्चों, ओके, थैंक यू।